आईडिया स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, जैसा कि नाम से पता चलता है, यानी कि 100 में से एक प्रतिशत। प्रतिशत को इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिशत में हम जानते हैं कि भिन्नों को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं। मान लीजिए हमारी कोई भिन्न है एक्स बटे वाई, इसका प्रतिशत निकालते हैं x बटे वाई गुणे 100 और प्रतिशत का निशान लगा लेते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, मान लो हमारी कोई भिन्न है 3/5, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का निशान लगा देंगे। यह आ जाएगा 5 से 100 काट देंगे 20, 20 के 60, यानी कि आ जाएगा 60%। इसी तरह अगर किसी संख्या का हमें कुछ प्रतिशत निकालना है, जैसे कि x का y प्रतिशत निकालना है, तो यह होता है x गुणे y बटे 100। एक उदाहरण से देखते हैं, मान लो हमें 20 का 10% निकालना है, तो इसके लिए करते हैं 20 गुणे 10 बटे 100, यह आ जाता है 2। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि 20 का 10% कितना है तो ये 2 होगा। अगर कोई संख्या में दी है x प्रतिशत, तो इसका मतलब होता है x बटे 100, यानी कि 0.01x। उदाहरण से देखते हैं, मान लो कोई संख्या दी है 40%, इसको हमें सरल करना है, इसका मतलब हो गया 40/100, यानी कि 4/10, यानी कि 0.4। ये हो गया है 40% का सरल करना। इस तरह हम लोग प्रतिशत में सरल करते हैं। अब हम लोग प्रतिशत से संबंधित कुछ सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल है 40 का 6% बताओ, यानी कि हमें निकालना है 40 का 6%। जहां भी ऐसे पूछता है 40 का 6%, इसका मतलब है का की जगह हम गुणे का प्रयोग करेंगे। 40 गुणे प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, यानी कि 6/100, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। तो यहां शून्य से शून्य कट जाएगा, किया जाएगा 24/10, यानी कि 2.4। तो 40 का 6% होगा 2.4। अगला सवाल है, 150 किस संख्या का 30% है? इसमें हमें संख्या निकालनी है, क्योंकि संख्या पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि संख्या x है। अब कह रहा है कि कोई संख्या है उसका 30% जब हम निकालते हैं तो 150 आएगा, इसका मतलब यह है। तो मान लो x है, तो x का 30% हमारा 150 है, यानी कि 150 के बराबर हो जाएगा। तो x गुणे 30/100 बराबर 150, तो x हो जाएगा 150 गुणे 100/30, यह आ जाएगा 500। क्योंकि इधर 100 भाग में है इसलिए इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और इधर अंश में है इधर हर में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 500, यानी कि 500 का 30% 150 होगा। अगला सवाल है, 60/240 का कितना प्रतिशत है? इस सवाल में यह पूछा है कि 240 का कुछ प्रतिशत है वो 60 है, प्रतिशत हमें नहीं पता। तो मान लो कि 240 का x प्रतिशत जो है वो 60 है, तो ये कैसे निकालेंगे? 240 का x प्रतिशत बराबर 60, यानी कि 240 गुणे x बटे 100 बराबर 60, तो x हो जाएगा 60 गुणे, इधर भाग में है इधर गुणे में चला जाएगा, 60 गुणे 100 बटे 240, तो इसको भाग देंगे 4, 4 से 100 कटेगा 25, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 240 का 25% जो है 60 होगा। अगला सवाल है, राम का वेतन 800 रुपए है, उसमें 40% की वृद्धि हुई, अब वेतन कितना होगा? तो कह रहा है कि राम का वेतन 800 रुपए है, तो राम का वेतन जो है 800 रुपए है, इसमें 40% की वृद्धि हो रही है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कितनी वृद्धि हो रही है। तो 800 का 40% बराबर हो जाएगा 800 गुणे 40/100,
यानी कि आएगा 320, यानी कि इसका वेतन जो है 320 रुपए बढ़ गया। तो अब कितना वेतन होगा, तो कुल वेतन हो जाएगा इसका 800 प्लस 320, यानी कि हो जाएगा ये 1120। तो वृद्धि में जो है 320 रुपए की वृद्धि हुई, तो कुल वेतन इसका हो जाएगा 800 प्लस 320 यानी 1120 रुपए। अगला हमारा सवाल है, कोई कास्टिंग है उसका भार 400 किलोग्राम है, उसका अपव्यय जो है 21% है, यानी कि कास्टिंग का भार 400 किलोग्राम है, जब हम उसको मशीनिंग करके सही फिनिश कर रहे हैं तो उसमें 21% धातु जो है वो बेकार निकल जा रही है, तो उसका जो है फाइनल भार परिष्कृत भार कितना होगा। तो कास्टिंग का भार हमारा है 400 kg, कह रहा है कि 21% अपव्यय हो जाता है, तो अपव्यय कितना होगा, ये हो जाएगा 400 का 21%, यानी कि 400 × 21/100 आ जाएगा 84 kg, यानी कि 400 kg में से 84 kg हमारा बेकार हो गया। तो परिष्कृत भार हो जाएगा 400 kg माइनस 84 kg, किया जाएगा 10 × 4 = 6 = 316 kg। इसका आंसर आएगा 316 kg। प्रतिशत चैप्टर में अब हम लोग आगे लाभ व हानि के बारे में पढ़ते हैं। लाभ व हानि के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पे हम लोग कोई भी वस्तु खरीदते हैं उसे उसका क्रय मूल्य कहते हैं, जबकि विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये हमारे जो है फार्मूले हैं, इनको जो है सबको याद रखना चाहिए। हम लोग लाभ समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो है राम ने 1000 रुपए में खरीदी और इस वस्तु को उसने 1200 में बेच दिया, यानी कि इसका क्रय मूल्य जो हो गया वो 1000 हो गया और विक्रय मूल्य हो गया 1200 रुपए। इसको लाभ कितना हुआ, 1200 - 1000 यानी कि 200 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन अगर उसने 1000 रुपए में कोई वस्तु खरीद कर 800 रुपए में बेची तो उसको जो है हानि हुई। कैसे हुई, क्रय मूल्य यहाँ पे ज्यादा है तो क्रय मूल्य 1000 माइनस विक्रय मूल्य 800, तो उसको 200 रुपए की हानि हुई। लाभ का प्रतिशत होता है लाभ गुणे 100 / क्रय मूल्य, हानि का प्रतिशत होता है हानि गुणे 100 / क्रय मूल्य। इसी तरह विक्रय मूल्य निकालते हैं, क्रय मूल्य 1 + −10/100, जहां पर लाभ के केस में हम प्लस का चिन्ह यूज करते हैं और हानि के केस में माइनस का चिन्ह यूज करते हैं। इसी तरह क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य 1 + −10/100। लाभ व हानि से संबंधित हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल है, राम ने एक घड़ी 2000 में खरीद कर 2400 रुपए में बेच दी, लाभ का प्रतिशत बताओ। तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 2000, यानी कि इसने 2000 में खरीदी तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 2000, इसने बेची है 2400 में तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 2400, लाभ होगा, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 2400 - 2000 दिया जाएगा 400 रुपए। अब कह रहा है लाभ का प्रतिशत बताओ, तो लाभ का प्रतिशत होता है लाभ यानी कि 400 / क्रय मूल्य यानी कि 2000 × 100 दिया जाएगा 20%, यानी कि राम ने घड़ी को 20% लाभ पर बेचा। इसी तरह अगला एक सवाल है, श्याम ने क्रिकेट बैट को 1000 रुपए में खरीदा, उसको 600 रुपए में बेच दिया, तो उसकी हानि का प्रतिशत निकालो। तो जो क्रय मूल्य है इसमें वो है 1000 रुपए, विक्रय मूल्य है हमारा 600 रुपए, यानी कि उसको 600 रुपए बेचा है तो इसको हानि हो रही है
1000 माइनस 600 रुपए यानी कि 400 रुपए की हानि हो रही है। तो हानि का प्रतिशत हो जाएगा 400 बटे क्रय मूल्य है 1000 गुणे 100 किया जाएगा 40% की हानि हुई। लाभ व हानि से संबंधित एक सवाल अब और हल करते हैं। क्वेश्चन है 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 25 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 25 जो है पुस्तकों का क्रय मूल्य जो है 100 रुपए है, तो 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य भी 100 रुपए हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 100 रुपए है तो हमें 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य निकालना होगा तभी हमें इसका लाभ निकाल सकते हैं। तो 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 100 रुपए है तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य हो जाएगा 100/25 यानी कि 4 रुपए। तो 20 पुस्तक का क्रय मूल्य हो जाएगा 4 × 20 यानी कि 80 रुपए। तो इसको जो लाभ होगा विक्रय मूल्य यानी कि 100 रुपए माइनस क्रय मूल्य यानी कि 80 रुपए क्या जाएगा 20 रुपए। लाभ का प्रतिशत हो जाएगा लाभ यानी कि 20 रुपए बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है हमारा 80 रुपए/80 गुणे 100 यानी कि इसका लाभ जो आएगा वो 25% आएगा। ब्याज में हम लोग दो तरह की ब्याज के बारे में पढ़ते हैं, एक है साधारण ब्याज एक है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज जो हमें मिलता है वो निश्चित अवधि के बाद ही मिलता है यानी कि इसका फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। जो हमें ब्याज मिलता है इस ब्याज को जब हम मूलधन में जोड़ देते हैं तो हमें मिश्र धन प्राप्त होता है यानी कि जैसे हमने कोई पैसा जो है 5 साल के लिए लगाया है तो 5 साल बाद जो हमें प्राप्त होगा जो पैसा हमने जमा किया था वो प्लस जो हमें ब्याज मिलेगा वो दोनों जोड़ के हमें प्राप्त होता है, ये हमारा मिश्र धन होता है। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसका फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन एक धन दर बटे 100 की पावर समय। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर यह होता है कि साधारण ब्याज में जो आपको ब्याज मिलता है वो पूरा समय पूरा होने के बाद ही मिलता है और एक ही बार आपको पूरा ब्याज प्राप्त होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि एक निश्चित समय के बाद आपका ब्याज मूलधन में जोड़ दिया जाता है जिसके बाद जो मिश्र धन हमें प्राप्त होता है उस पे हमें ब्याज मिलता है, तो ये होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों को हम उदाहरण से समझेंगे। अब हम लोग साधारण ब्याज के सवाल करते हैं। एक सवाल है 1000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ पे मूलधन है हमारा 1000 रुपए हो जाएगा 1000 गुणे दर है हमारी 8% गुणे 8 समय है हमारा 2 वर्ष/2 गुणे 100 किया जाएगा 160 रुपए। अगर इसी सवाल में आगे पूछा होता कि इसको जो है 2 वर्ष बाद कुल कितने रुपए मिलेंगे तो 1000 में हम लोग 160 रुपए जोड़ देंगे किया जाएगा हमारा 1160 रुपए यानी कि इसका मिश्र धन जो उसको प्राप्त होगा 1160 रुपए। अगला एक सवाल है राम 500 रुपए 5% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार लेता है उसकी कुल वार्षिक किस्त कितनी देनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग 4 वर्ष का जो है ब्याज निकाल लेते हैं, तो ब्याज आ जाएगा मूलधन यानी कि 500 रुपए दर जो है 5% है गुणे 4/100 क्या आ जाएगा 100 रुपए यानी कि 4 वर्ष में उसको कुल जो है 100 रुपए ब्याज देना होगा लेकिन उसको मूलधन भी वापस करना होगा तो कुल मिश्र धन जो उसको देना होगा वापस वो हो जाएगा 500 + 100 यानी क्या आएगा 600 रुपए। 4 वर्ष में उसको कुल 600 रुपए देने होंगे यानी कि प्रत्येक वर्ष उसको
₹150, क्योंकि 4 वर्ष में 600 देने हैं तो 1 वर्ष में ₹150 उसको देने पड़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के संबंध में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे हर जगह लिखा रहता है 14% की वार्षिक दर से मिश्रधन ज्ञात कीजिए, लेकिन अगर यहीं पे जो है लिखा है कि उसकी गणना अर्धमासिक की जाती है या तिमाही की जाती है या प्रत्येक महीने उसमें ब्याज की गणना की जाती है, तो उसके लिए हम उसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे अगर ब्याज की गणना छमाही हो रही है यानी कि साल में 2 बार उसको ब्याज मिल रहा है, तो उसका मिश्रधन हो जाएगा मूलधन 1 धन दर/2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 100 से भाग होगा, यानी कि जो उसकी ब्याज दर रहेगी, जैसे यहाँ 14% है, यहाँ 7% हो जाएगी, क्योंकि उसको 2 बार ब्याज मिलेगा और समय में हम 2 से गुणा कर देंगे। इसी तरह अगर जो है उसकी गणना तिमाही हो रही है तो हो जाएगा मिश्रधन बराबर मूलधन 1 धन, क्योंकि साल भर में 4 तिमाही होती है इसलिए इसमें 4 से भाग दे देंगे और समय में 4 से गुणा कर देंगे। इसी तरह अगर उसकी गणना हर महीने की जाती है ब्याज की गणना, तो इसमें जो है 12 से भाग देंगे और समय में 12 से गुणा करेंगे। ये चीजें जो है हमें ध्यान रखनी होती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक सवाल कर लेते हैं। सवाल है हमारा, ₹12,000 का 2 वर्ष का 14% की वार्षिक दर से मिश्रधन ज्ञात कीजिए, जबकि गणना उसकी हम चक्रवृद्धि ब्याज के तरह जो है कर रहे हैं, तो मिश्रधन हो जाएगा इसका मूलधन 1 धन दर/100 की पावर समय। मूलधन यहां पे 12,000 है, ये हो जाएगा 12,000, उसके बाद 1 धन, ये है 14/100 की पावर, समय कितना है 2 वर्ष, यानी हो जाएगा 12,000। जब इसको सरल करेंगे ये भिन्न है हमारा, 1 + 14/100 ये हो जाएगा 114/100, क्या जाएगा 114/100 का स्क्वायर, यानी कि 12,000 × 114 × 114/100 × 100। इसको सरल करेंगे क्या आएगा 15,595.20, ये इसका आ जाएगा मिश्रधन। अगर इसका ब्याज निकालना हो तो इसमें से हम 12,000 माइनस कर देंगे तो आएगा 3,595.20। इस तरह जो है हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। एक दूसरा सवाल है, इसको हम हल करते हैं। ₹400 का 1/2 वर्ष का 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमें। तो हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 धन दर/100 की पावर समय। मूलधन है हमारा ₹400, 1 + 8/100, क्योंकि दर जो है 8 है, समय है 1/2 वर्ष। तो इसको सरल करेंगे हो जाएगा 400 1 + 8/100 इसको इस तरह तोड़ लेते हैं 2 भागों में, 1 साल का अलग निकाल लेते हैं इसी में और आधे साल का अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 400 × 108/100 × यहाँ पे 1/2 से 8 में भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 4/100, ये आ जाएगा 400 × 108/100 × 104/100। तो जब इसको सरल करेंगे तो आएगा 449.28, ये हो जाएगा हमारा मिश्रधन। अब ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 449.28 − 400, ये हो जाएगा 49.28, यानी कि उसको 1.5 वर्ष के बाद 49.28 रुपए ब्याज मिलेगा। अब हम लोग प्रतिशत चैप्टर से संबंधित जो सवाल कुछ एग्जाम में आए हैं उनके बारे में देखते हैं। एक सवाल आया था 2015 में कि 30,000 का 30% कितना है, इसको निकालने क्या करेंगे 30,000 × 30/100 आ जाएगा 9,000, यानी कि 30,000 का 30% आएगा 9,000। एक सवाल आया था 2015-16 में कि 3 मीटर का 60 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो 3 मीटर में हो जाएगा हमारा 300 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है 3 मीटर का 60 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है, मान लो कि x प्रतिशत है, तो 300 सेंटीमीटर का x प्रतिशत = 60 सेंटीमीटर, यानी कि 300 × x/100 = 60, तो x हो जाएगा
60 गुणे 100 बटे 300 क्या रहेगा 20, यानी कि 300 सेंटीमीटर का 20% होगा 60 सेंटीमीटर। ये अगला सवाल है, यदि विक्रय मूल्य 600 रुपए में 25% लाभ है तो क्रय मूल्य बताओ। ये हमारा 2019 में सवाल आया था, तो मान लो कि क्रय मूल्य x है, कह रहा है कि 25% लाभ है, यानी कि x का 25% जो है हम निकाल लेंगे, तो आएगा x बटे 4। विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य हमारा x था और लाभ हमारा x बटे 4 है, जो कि अभी मैंने निकाला है, लाभ जो है x बटे 4 है। लेकिन विक्रय मूल्य हमारा 600 रुपए दिया हुआ है, यानी कि x प्लस x बटे 4 बराबर 600, ये हो जाएगा 4x प्लस x बटे 4 बराबर 600, 5x बटे 4 बराबर 600, x बराबर 600 गुणे 4 बटे 5, तो 5 से भाग देंगे, दिया जाएगा 480 रुपए, इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। और इस वाले क्वेश्चन में ये 20% वाला ऑप्शन सही था। आईडीआई स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।